हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका था, उससे संबंधित प्रश्न खंड भी हल कर लिए थे, तो आज हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण, तो पहले जल अवशोषण की बात करेंगे और उसके बाद में रसारोहण चलेगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन परिचय की बात करेंगे। प्रस्तावना क्या है? जल अवशोषण क्या है? जल अवशोषण एक जैविक क्रिया है। ध्यान रहे, पादपों के अंदर जल अवशोषण जैविक प्रक्रिया है जो पादपों में जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है, अर्थात मूल के अग्रभाग भाग पर स्थित मूल रोमों के द्वारा जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। ध्यान रहे, जल अवशोषण क्रिया होती है जो मूल रोमों के द्वारा होती है, अर्थात जल जीव द्रव का महत्वपूर्ण घटक है, यानी संपूर्ण भाग का 80-90% भाग क्या होता है? जल होता है। जल के कारण पादप कोशिका स्फीत बनी रहती है। स्फीत का मतलब समझ गए होंगे कि एक प्रकार से फूलना। बीज अंकुरण क्रिया में बीज का क्या होता है? अंकुरण होता है। बीज के अंकुरण क्रिया में जल अवशोषण, यानी बीज अंकुरण क्रिया में एक प्रकार से जल आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल महत्वपूर्ण होता है, यानी अधिकांश पादप की उपापचय क्रिया होती है उनमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पादपों में हम जल अवशोषण की बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जल के रूप हैं उसकी बात कर लेते हैं कि फॉर्म ऑफ वाटर, यानी जल के रूप। ये परिचय में है तो जल के रूप की बात करेंगे। जल के रूप फॉर्म ऑफ वाटर, मृदा को मुख्य रूप से जल होता है। जो वर्षा से प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि मृदा को जल होता है जो मुख्य रूप से वर्षा से प्राप्त होता है। तेज वर्षा के कारण अधिकांश जल होता है जो मृदा की सतह के ऊपर बहकर तालाब, पोखर, समुद्र आदि में पहुंच जाता है। कि तेज बारिश होती है तो आप देखते हैं कि तेज बारिश से जल होता है एक प्रकार से जोहड़ में चला जाता है, जिसे आप बोलते हैं तालाब के अंदर चला जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है, उस जल को कहा जाता है रनवे वाटर बोलते हैं। अपवाहित जल, ध्यान रहे अपवाहित जल बोलेंगे। प्रश्न भी पूछ लिया जाता है अपवाहित जल किसे कहते हैं? आपको बताना है कि तेज बारिश के कारण अधिकांश जल होता है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर बहकर एक प्रकार से तालाब, पोखर, समुद्र आदि में पहुंच जाता है, उस जल को क्या कहा जाता है? अपवाहित जल। लेकिन धीमी, ये एक प्रकार से मृदा की सतह से अवशोषित नहीं हो पाता है तेज बारिश में। जब बारिश कैसी होती है? धीमी होती है। धीमी बारिश के कारण अधिकांश जल होता है जो मृदा को प्राप्त होता है, जिसे सॉइल वाटर बोलते हैं, यानी मृदा जल बोलेंगे। ध्यान रखें मृदा जल, कि जब बरसात धीमी होती है उसी समय मृदा के द्वारा जल क्या होता है? अवशोषित होता है, और वो होता है सॉइल वाटर। मृदा जल के नाम से जानते हैं। जल के रूप हैं जिनके हम बात करने जा रहे हैं। गुरुत्व जल नंबर 1, गुरुत्व जल है। गुरुत्व जल क्या है? कि यह जल होता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण गहराई में चला जाता है। यह जल होता है जो गहराई में चला जाता है, अर्थात
सामान्य रूप से पात्रों को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसे नलकूपों के द्वारा ध्यान देते होंगे कि नलकूपों के द्वारा जमीन से निकाला जाता है, उसके बाद में ही पौधे प्राप्त करते हैं। इन्हें सामान्य रूप से पौधे से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात नलकूपों के द्वारा ही ये पौधों को प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व जल बोलते हैं। ध्यान रखें, अर्थात कुछ मरुदी पादप होते हैं, जैसे कैलेंट्रोपिस है, आंख बोलते हैं, जब खेजड़ी है, कैर है, ये एक प्रकार से इस जल को अवशोषित कर सकते हैं, जिनकी जड़ एक प्रकार से गहराई तक जाती है। बाकी सामान्य पादप इसे अवशोषित नहीं कर पाएंगे, यानी नलकूपों द्वारा इसे निकाला जाएगा और उसके बाद में ही पौधों को प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्व जल के नाम से जानते हैं। नंबर दो आता है आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है, यानी मृदा कणों की सतह से अधिशो से जल की परत होती है, जो मृदा कण है उसके ऊपर जो जल की लेयर बनी हुई है, परत बनी हुई है, उसे बोलते हैं आर्द्रता ग्राही जल बोलते हैं। अर्थात यह जल भी पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका साइड अवलू होता है, ऋणात्मक होता है, जल ग्रहण जिसे बोलते हैं, इस वजह से आर्द्रता ग्राही जल होता है ये भी पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर तीन की बात करेंगे, रासायनिक बंधित जल। रासायनिक बंधित जल क्या है, नंबर तीन रासायनिक बंधित जल, मृदा में उपस्थित रासायनिक पदार्थों से बंधित जल की मात्रा को क्या कहा जाता है, रासायनिक बंधित जल। जैसे कोई भी है, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, जो भी खनिज पदार्थ है, इससे बंधित जल की मात्रा होती है, उसे रासायनिक बंधित जल बोलते हैं। ध्यान रखें, तो एक प्रकार से इससे भी पौधे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी रासायनिक पदार्थों से क्या होती है, बंधित होती है। नंबर चार केशिका जल, याद रखें कैपिलरीज वाटर, केशिका जल। केशिका जल क्या है कि मृदा के अंदर बनी केशिकाओं में, मृदा के अंदर अनेक प्रकार की कैपिलरीज पाई जाती हैं, केशिकाएं पाई जाती हैं, और उनमें उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहा जाता है, केशिका जल बोलते हैं। अर्थात मुख्य रूप से पौधों को जो जल की मात्रा प्राप्त होती है वो कौन सा जल होता है, केशिका जल। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि आप ये नीट आदि के अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मुख्य रूप से जो पौधे प्राप्त करते हैं वो कैपिलरीज वाटर, केशिका जल को अवशोषित करते हैं, क्योंकि मृदा मिट्टी होती है, उसके अंदर अनेक प्रकार की क्या होती है, कैपिलरीज बनी होती है। जब आप देखा होगा किसान होता है कि जब खेत को यानी एक प्रकार से पानी दे देता है और उसके बाद उसकी क्या कर देता है, यानी जुताई कर देता है, उस कैपिलरीज को तोड़ देता है, तो पानी वाष्पित नहीं होगा, वो पानी उस मृदा में बना रहेगा, क्योंकि कैपिलरीज वाटर होता है, यदि वो कैपिलरीज में सीधा उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, तो एक प्रकार से केशिका जल होता है, तो मृदा के अंदर बनी हुई केशिका के अंदर उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहा जाता है, केशिका जल बोलते हैं। अर्थात मुख्य रूप से जो पौधे प्राप्त करते हैं वो कौन से जल को करेंगे, केशिका जल को करेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपको चार डालेगा, रासायनिक बंधित जल, गुरुत्व जल डालेगा, केशिका जल डालेगा, तो उस समय आप क्या बताएंगे, केशिका जल बताएंगे। इससे आगे कल बात करेंगे, जो अपना जल के रूप चल रहा था, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।